गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर तान्या सिंह, JR1 एनेस्थीसियोलॉजी। अभी कुछ दिन पहले मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में चल रही थी एंड वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव केसेस थे। तो केसेस करवाने के बाद थोड़े दिन बाद मेरे को भी सिम्टम आए, तो पता चला कि टेस्ट करवाने के बाद मैं भी पॉजिटिव आ गई। तो कुछ ज़्यादा घबराने की दिक्कत नहीं आई मेरे को, कुछ पैनिक नहीं किया, बस अपना टेस्ट कराया एंड मेरे को फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जहाँ पे बाकी सारे पेशेंट्स हैं। एंड मैं सबके साथ रुक गई हूँ, यहाँ पे एकदम कंफर्टेबल माहौल है, बहुत फ्रेंडली है सारा स्टाफ, बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं वो। जो खाना सबको मिल रहा है वही मेरे को भी मिलता है, सब सेम मेडिकेशन चल रही है मेरी भी। एंड हर थोड़ी देर बाद हर कोई आके हालचाल पूछता है एंड प्रॉपर वाइटल्स वगैरह लेते हैं, बिल्कुल सेम चल रहा है जैसे सब पेशेंट्स का है। एंड बिल्कुल ऑनेस्टली बता रही हूँ, यहाँ पे बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है। एंड मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे एंड मेरे को कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई हॉस्पिटल एंड बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पे। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि जल्दी से जल्द ठीक होके मैं भी यहाँ पे दोबारा जल्दी से जल्दी अपनी ड्यूटी रिज्यूम करूँगी। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू टू ऑल द टीम, ऑल द हॉस्पिटल स्टाफ, हेल्थ केयर वर्कर्स, यू डूइंग अ ग्रेट जॉब, मिशन फॉर। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रज्योति है, मैं मेडिसिन यूनिट 2 रजिंद्रा हॉस्पिटल के जूनियर रेजिडेंट काम कर रही हूँ। मेरा कोरोना पॉजिटिव कल आया सी, मैं अपने रजिंद्रा हॉस्पिटल के ही दाखिल हुई हूँ। इतों दहूलत बहुत ज़्यादा वधिया हैं, सानू हर तरह की सहूलत दी जा रही है। मेडिसिन सानू जिहड़ियां कि आम पेशेंट्स की ने उही साडे लई आ रहियां ने, खाना बहुत वधिया है, जो ही आम पेशेंट्स की जा रहा है उही साडे वास्ते आ रहा है। तो मैं थोनों सारयां नूं अपील करदी हां कि तुसीं प्राइवेट हॉस्पिटल विच ना जाके रजिंद्रा हॉस्पिटल दे विच दाखिल हो, इत्थे इलाज करवाओ, तुहानू किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आऊगी। तो कोई भी दिक्कत आती है तो साडा पूरा स्टाफ थोड़ी मदद करने के लिए जुट जाता है। तो कुछ जो मैनू नहीं पता, मैं सारिया ही प्रीकॉशनस लिखी जो कि गवर्नमेंट की तरफ तो या साडे सारे प्रोटोकॉल्स ने, पर फिर भी मैनू नहीं पता मैं कदों कितों ब्रीच हो गया तो मैं पॉजिटिव हो गई हाँ। हमेशा मास्क पहन के रखो, बार बार हाथ सैनिटाइज करो, सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करो। थोड़ा फिर भी जे लगता है थोड़ा कोई सिमटम्स आ रहे हैं जिमें कि खांसी हो रही है, सह चढ़ रहा है या गला खराब हों, बुखार हों, तो सरकार के दिते हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट करो या थोड़े नेड़े जो भी हेल्थ फैसिलिटी है उन्होंने कॉन्टैक्ट करो, ताकि जल्दी ही ये आप मतलब अब जे थोड़ा करोना है तो पकड़िया जाए तो उसका इलाज थोड़ा शुरू हो जाए। Third year pathology department. I came positive on day before yesterday, and I didn't create a panic. I knew I was also treating patients, so I knew how to deal with it. And the staff, the Dr. Chavla, I talked to them, and they told us that we will be shifted in the isolation ward. We are being treated same way as the patients are being treated, and we are getting the same food. This food is edible, definitely, obviously it's a hospital, but otherwise the food, no quality issues. The staff is very helpful, very understanding, even the doctors which are on duty, the consultant, my seniors, even my juniors are there on the duty, they are helping me out in every possible way they can do. And everything is okay over here, they are providing us the best they can do. So I think hopefully with time, with my isolation period, I will be fine. Thank you, Dr.